वेलकम डियर फ्रेंड्स आज अपन जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का बारहवीं क्लास का इंग्लिश का सोलड पेपर कंप्लीट सोलड पेपर है वो उसको अपन हल करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए सोलड पेपर की पी चाहिए तो आप उसमें भी उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं तो आप ये देखो पूरा का जो पूरा जो पेपर है उसको सोल्व करके उसके जो आंसर हैं उन आंसर को भी इसके अंदर दिया गया है तो जिन बच्चों को पूरा पेपर नहीं समझना है वो इसको देख लें और उसकी पी आप उसमें निकाल करके उसको सोल्व कर सकते हैं तो ये पूरा का पूरा पेपर इसके जो सारे क्वेश्चन हैं उसको अपन ने इसमें हल करने की कोशिश है वो की है किसी भी प्रकार के कमेंट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स बो, के अंदर ज़रूर देवें तो चलो अपन इस ये जो पेपर है इसको शुरू करते हैं तो ये तीन घंटे और पंद्रह मिनट का पूरा पेपर था तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर नो अंक क्वेश्चन है तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो तो इस पैराग्राफ को पढ़ करके जो इसके क्वेश्चन है उनके आंसर अपन को देने हैं तो देर वॉज अनोदर इंडियन इंडियन विद द प्रोफेसर प्रोफेसर के साथ में दूसरा एक इंडियन भी था एंड हिज ट्रुप हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रोंग मैन एक्ट्स बट स्पेंड द एंटायर टाइम डिगिंग ए सेलो ट्रेंच सेलो यानी कम गहरी ट्रेंच खाई को बोलते हैं अबाउट टेन फिट लॉन्ग एंड टू और थ्री फिट वाइड जो ये ट्रेंच या खाई थी वो दस फिट की लंबी और दो या तीन फिट चौड़ी थी बाय द टाइम इस समय तक प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज एक्ट हिज ट्रेंच हैड बीन फील्ड विथ रेड होट कॉल्स

ऑफ़ द ट्रेंस वेन ही स्क्टेड डाउन ऑन द ग्राउंड तो ये ऑफ एस्कोप कर लेना बच्चों है नाउंड गेस्ट टू हिज फिट एंड इन्वाइटेड अस आल टू इंस्पेक्ट देम वी डिड एंड देर वॉज नोट सो मच एज ए ब्लिस्टर ब्लिस्टर फोपोलियो को बोलते हैं एनी वेयर टू दीन

But when I went to speak to him, he looked away again. So I kept my mouth shut. If he wanted to pretend that he didn't understand English, then that was all right by me. Obviously, it amused him to listen to the comments of the admiring crowd gathered around him. The professor by now had recovered from his encounter. विथ द फाइव टन ट्रक एंड ही कैम ओवर टू से इन हाल्टिंग इंग्लिश दैट द फायर वॉकर वुड टेक ए वॉल्टियर विथ हिम एकरोस द फायर ट्रेन चे दिस ऑफकोर्स प्रोड्यूस्ड ए बिग लाफ बट आई डिडंट जॉइन इट इन आई न्यू देन दैट आई वॉज गोइंग एकरोस द फायर ट्रेन चे ऑल दो द वेरी थोट ऑफ इट मेड मी गो आइस कोल्ड विथ फीयर तो फ्रेंड्स इसका जो पहला क्वेश्चन आता है वाट साइज वाज द ट्रेंच यानी वो जो खाई थी जिसमें जलते हुए अंगारे या कोयले थे उसकी क्या साइज थी तो अपन ने उसके अंदर पहले पढ़ा है कि इसकी जो साइज है वो द साइज वॉज अबाउट टेन फिट अलॉन्ग एंड टू और थ्री फिट वाइड यानी दस फीट लंबी और दो या तीन फीट चौड़ी थी वार डिड द एल्डरली पर्सन डू बिफोर वॉकिंग ओवर द रेड हॉट कोल्स यानी उन जलते हुए जो कोयले हैं उनसे उन पर चलने से पहले उस व्यक्ति ने क्या कार्य किया तो एल्डरली जेंटलमैन स्प्लेड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बकेट ओवर हिज बेयर फिट एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक ओवर द रेड हॉट कोल्स यानी अपने पाँव के ऊपर पानी छिड़कने के बाद में वह उनके ऊपर चलने लगा इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है वाट हार्म वाज काज टू द एल्डरली जेंटलमैन बाय दिस एक्शन यानी इस एक्शन से उस जेंटलमैन को क्या नुकसान हुआ तो लो फ्लेम्स फ्रॉम द रेड हॉट से लिकिंग अराउंड हिज बेयर फिट यानी कुछ जो जलती हुई आग की लपटें हैं वो उसके पैरों के ऊपर लिपट गई अगला चौथा क्वेश्चन देखो वैन डिड द नेरेटर रिकोगनाइज द मैन उस नेरेटर या वर्णनकर्ता ने उस व्यक्ति को कब पहचाना तो द देरेटर नेल्ट डाउन बिसाइड हिम एंड फेल्ट थ्रस्ट इन टू हीज हैंड बाई हैंड कर चिप एंड देन ही रिकोगनाइज हिम अगला क्वेश्चन फाइव है वाट डिड द क्राउड डू टू अम्यूज द मैन उस भीड़ ने वह भीड़ है वो उसको कैसे आनंद दे रही थी तो मैन वाज अम्यूज बाई लिसनिंग द कॉमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड गैदर अराउंड हिम यानी भीड़ के जो लोग टिप्पणी कर रहे थे उसके वह उसको आनंद आनंदित कर रही थी उस व्यक्ति को अगला सिक्स क्वेश्चन है हु वाज हेडिंग द ट्रुप यानी जो टोली थी उसका मुखिया कौन था तो प्रोफेसर वाज हेडिंग द ट्रूफ ये इसका आंसर हो जाएगा अगला सेवन क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स नोट वेरी डीप जो गहरा नहीं होता उसको अपन सेलो या उथला बोलते हैं कम गहरा सीन ए सी ई यानी सीन यानी दर दृश्य और स्पेक्टल यानी भी दृश्य होता है अगला नोवा देखो अपोजिट ऑफ फ्लुएंट फ्लुएंट यानी प्रवाह है और इसका क्या हो जाएगा हाल्टिंग हाल्टिंग यानी रुकते हुए तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स ये आपका पहला पैसेज है उसके सभी उत्तर अपन ने कर लिए हैं अब अगला देखो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज़ द करेक्ट आंसर अब अपन को इस पैराग्राफ को पढ़ करके के आंसर देने हैं और इसमें छः क्वेश्चन आएंगे और सभी एक एक नंबर के हैं फोर थ्री डेज इंस्पेक्टर रोबिनसन हैड बीन कंप्लीटली इन द डार्क ए मैन हैड बीन फाउंड अनकॉन्शियस इन द कार पार्क ऑफ द स्वान होटल ही हैड बीन रॉब्ड एंड हिज कार हैड बीन स्टोलन द पुलिस हैड नो आइडिया ऑफ हिज आइडेंटिटी अंटिल एट लास्ट द मैन वॉज एबल टू टेल दैम हु ही वॉज एंड वाट हैड हैपन्ड

फॉर हिम द ओनर ऑफ ए स्मॉल रेस्टोरेंट ऑन द सी फ्रंट हैड जस्ट टेलीफोन्ड अकॉर्डिंग टू हिम ए पर्सन लाइक द वांटेड मैन वाज हैविंग डिनर इन हिज रेस्टोरेंट द पुलिस एट वंस रस्ट राउंड टू द रेस्टोरेंट टू पुलिस मैन स्टेड आउटसाइड द फ्रंट एंट्रेंस वाइल इंस्पेक्टर रोमिनसन एंड अनोदर मैन एंटेड थ्रो द किचन वेरी एक्जाइटेड द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट सॉवड इंस्पेक्टर रोबिंसन द मैन ही हैड बीन वॉचिंग ही वॉज सिटिंग एट ए कॉर्नर टेबल रीडिंग ए न्यूज़ पेपर विदाउट डाउट इट वॉज़ द रइट मैन इंस्पेक्टर रोबिंसन डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द अदर पीपुल इन द रेस्टोरेंट ही लेट द मैन फिनिश हिज मील देन एज ही फेल्ट द रेस्टोरेंट इंस्पेक्टर रोबिंसन फॉलोड हिम इन टू दीट इन टू द्रीट एंड अरेस्टेड हिम अब इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन पहला इंस्पेक्टर रोबिंसन हैड बीन कंप्लीटली इन द डार्क इन द डार्क यानी अंधेरे में यानी कन्फ्यूजन के अंदर द अंडरलाइंट फ्रेज मीन्स हैप्पी क्यूरियस कन्फ्यूजन अनहैप्पी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर है ये कन्फ्यूज़न आ जाएगा आगे सेकेंड क्वेश्चन है द रोब्ड मैन वॉज फाउंड अनकॉन्शियस इन तो जो व्यक्ति अनकॉन्शियस कहाँ पाया गया था होटल द रूम कार पार्क और इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इंचार्ज तो वो व्यक्ति है वो कार पार्क के अंदर अनकॉन्शियस मिला था अगला है तीसरा द पुलिस गैव द डिस्क्रिप्शन टू द इन पुलिस ने डिस्क्रिप्शन है वो किसको दिया था मैनेजर को भी नहीं दिया मैन को भी नहीं दिया इंस्पेक्टर इंचार्ज को भी नहीं दिया लेकिन न्यूज़पेपर में दे दिया था अगला क्वेश्चन है अपना द इंस्पेक्टर ओनर फाउंड द वांटेड मैन एट द सी साइड द विलेज, द कार पार्क द डाइनिंग टेबल ऑफ हिज रेस्टोरेंट तो वह अपन लास्ट में उसको कहाँ मिला था डाइनिंग टेबल रेस्टोरेंट के ऊपर वह मिल गया था अगला क्वेश्चन है पांचवा। इंस्पेक्टर रोबिंसन एंटर्ड द रेस्टोरेंट थ्रो यानी इंस्पेक्टर रोबिनसन है वो उस रेस्टोरेंट में किधर से आया बाई द किचन किचन के द्वारा वो आया था अगला क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन देखो इंस्पेक्टर अरेस्टेड द वांटेड मैन एट द कॉर्नर टेबल एट द किचन इन टू द स्ट्रीट इन द कार पार्क तो वह उसको स्ट्रीट या गली में जाकर के पकड़ता है उसको सेक्शन बी देखो द इको क्लब ऑफ जीएसएस एस एस रंगपुर हैज परपोज ए ट्री प्लांटेशन कैंप राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड अपीलिंग स्टूडेंट टू टेक पार्ट गिव नेसेसरी डिटेल्स साइन योर सेल्फ एज सुरभि या सुभाष या तो सुरभि मान के आप साइन कर सकते हो या सुबाष मान के कर सकते हो तो इसको कैसे लिखते हैं तो ये आ गया जी एस एस आर तो ये अपन को क्या लिखनी है इसके अंदर नोटिस तो नोटिस को हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसको एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं किसके लिए के अंदर लिखते हैं बॉक्स के अंदर लिखते हैं तो नोटिस सबसे पहले डेट लिखो बाईस मार्च 2023 कर दिया टाइटल ट्री प्लांटेशन कैंप अब यहाँ पर ये यह देखो क्या लिखना था स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट और स्कूल इको क्लब इज ऑर्गेनाइज ए थ्री प्लांट ट्री प्लानेसन कैंप ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे फिफ्थ जून 2023. द प्रोग्राम स्टार्ट एट एट एम स्टूडेंट आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट सक्सेज फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडर साइंड और नाम लिख दो आप और हेड ऑफ स्टूडेंट आ गया अगला जो क्वेश्चन है वो देखो आप फोर्थ क्वेश्चन है यू वेंट टू नियर बाई हॉस्पिटल ऑफ योर लोकेलिटी द कंडीशन देयर वर मिजरेबल मिजरेबल यानी दयनीय राइट ए रिपोर्ट टू द दब टू बी पब्लिश इन द लोकल डेली न्यूज पेपर टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज साइन इट एज गीता या गोपाल गीता या गोपाल मान मान करके आपको एक रिपोर्ट है वो लिखनी है तो सबसे पहले लिख देंगे अपन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाई गोपाल क्लास ट्वेल्थ तो ये पाली टेंथ मार्च ये किसी भी न्यूज़ की हेडिंग होती है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर द हॉस्पिटल हैव डबल स्टोरी बिल्डिंग एंड द रूम आर वेरी स्मॉल देयर इज़ हार्डली एनी मेंटेनेंस ऑफ द हॉस्पिटल बिकॉज द रूम आर डैम्प एंड देयर आर लम्ब्स ऑफ पेंट्स एंड सीमेंट पिलिंग ऑफ From the walls. Cleaning is done only once a day, and even the washroom is unhygienic because it is used both by the parents and their visitors. The quality of service is very poor because the nursing and the supported staff do not respond on time. The doctors are highly qualified. एंड लेस रेस्पांसिबल फॉर देयर ड्यूटी दे आर मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग दीज पेशेंट्स टू देयर प्राइवेट क्लिनिक्स द पेसेंट्स हैव टू वेट फॉर हाउस टू सी द डॉक्टर समटाइम द पेशेंट विथ अक्यूट पेन और एक्सट्रीम ओल्ड एज इज़ नॉट एबल टू वेट इफ दे वॉन्ट टू सी द डॉक्टर दे हैव टू पे डबल फीस द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड एमरजेंसी फैसिलिटीज, बट शोर्टेज ऑफ स्टाफ और पोर कंडीशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट गिव पेन मोस्टली स्टाफ आर करप्ट एंड अनकेयरिंग। दे आर ओनली कंसर्न अबाउट द मनी बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द हेल्पलेस पेशेंट्स एंड देयर रिलेटिव हाई अथॉरिटीज आर रिक्वेस्टेड टू इम्प्रूव द मिजरेबल कंडीशन ऑफ़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सो दैट द poor एंड हेल्पलेस पेशेंट टैक बेनिफिट अगला अपन देखते हैं या इसी का आप अथवा कर सकते थे कि ये जो पैराग्राफ है इसके आपको हिंदी हिंदी में इसको लिखना था तो आप उसको भी तो यह आपको इसकी हिंदी लिखनी थी तो हिंदी भी लिख सकते थे अगला है पाँचवा क्वेश्चन देखो राइट ए बिजनेस लेटर टू मेसेस प्रशांत एंड कंपनी न्यू दिल्ली स्टार्टिंग स्टार्टिंग दैट द स्पोर्ट्स आइटम सप्लाई बाय देयर कंपनी वर नोट ऑफ गुड क्वालिटी सो द पेमेंट विल बी मेड ओनली आफ्टर रिप्लेसमेंट साइन योरसेल्फ एज ही हैड एज हेड क्लर्क ऑफ ग्लोबल स्कूल तो ग्लोबल स्कूल का हेड क्लक क्लर्क मानते हुए आपको ये एक बिजनेस लेटर लिखना है तो कैसे लिखोगे सबसे पहले ग्लोबल स्कूल हॉस्पिटल रोड सीकर फोन नंबर लिख दो फिर डेट लिख दो मैसेस प्रशांत एंड कंपनी न्यू दिल्ली सब्जेक्ट रिप्लेस पोअर क्वालिटी स्पोर्ट्स आइटम्स डियर सर आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू दैट द लास्ट मंथ सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आइटम ऑफ योर कंपनी इज़ वेरी पुअर सो वी सेंड यू द सप्लाई फॉर गुड गुड्स आइटम से प्लीज एक्सचेंज सुन वी विल पे योर कंपनी आफ्टर रिप्लेस दीज स्पोर्ट आइटम्स थैंकिंग यू योर फेथफुली हेड क्ल ग्लोबल स्कूल फिर आप अगला यू आर अमिता ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया था अब सेक्शन सी का सिक्स क्वेश्चन आएगा जोइंग द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्ट कनेक्टिव्स गिवन इन ब्रेकिट कनेक्टिव को के साथ में इसको जोड़ना है विपिन सोल्ड द पेंटिंग ही पेंटेड इट ओवर नाइट तो क्या हो जाएगा विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच ही पेंटेड ओवर नाइट तो इसमें यह आपका इट है वो हट करके इट ट करके क्या लग जाएगा विच यहां पर लग जाएगा विच ही पेंटेड है वो आ जाएगा अगला है सी पुट ऑफ द लाइट्स द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट तो वैन से जोड़ना है तो वैन सी पुट ऑफ द लाइट्स द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट आ जाएगा आगे देखो सातवां कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू द सेंटेंस एज डायरेक्टेड इनको जोड़ना है दो सेंटेंस को सुशील वाज पनिश्ड और सुशील वाज फाइंड तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो क्या हो जाएगा सुशील वाज पनिश्ड एंड फाइंड क्या हो जाएगा सुशील वाज पनिश्ड एंड फाइंड तो ये इसका हो जाएगा आगे देखो द अर्थ इज राउंड एवरी वन नोज इट तो इसका क्या हो जाएगा एवरी वन नोज एवरी वन नोज द अर्थ इज राउंड ये हो जाएगा इसका फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग वर्ड गेवन इन द ब्रेकिट्स तो रिच ट्रिब्यूट्स आर पेड खालिस्तान द ग्रेट मैन तो क्या आ जाएगा रिच ट्रिब्यूट्स आर पेड टू आ जाएगा क्या आ जाएगा इसके अंदर टू द ग्रेट मैन आ जाएगा द फेमिनइन वर्ड हैज़ क्रिएटेड ए ह्यूज रिवोल्यूशन खालिस्तान द फैशन एरिना तो इसके अंदर आ जाएगा इन द फैशन एरिना यानी फैशन के क्षेत्र में फ्रेजरवर आगे प्रियंका ओपन ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ग्रुप सी खालिस्तान हर डिसीजन तो इसके अंदर क्या आ जाएगा गेट्स ऑन आ जाएगा क्या आ जाएगा गेट्स ऑन है या आ जाएगा आई मस्ट खालिस्तान बाई विजिट टिल नेक्स्ट वीक पुट ऑफ और पुट ऑफ तो पुट ऑफ यानी स्थगित कर देना तो इसका आंसर क्या जाएगा पुट ऑफ आ जाएगा आगे देखो आप रीड द फॉलोइंग पेजेज केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चन तो इसके अंदर आ जाएगा आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फीयर बट इट हैड मी फ्रेमली इन इट्स ग्रिप फाइनली वन अक्टूबर i decided to get an inspector and learn to swim i went to pool and practiced five days a week and over each day the instructor put a belt around me a rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable he held on to the end of the rope and we went back and forth बैक एंड फोर्थ एक्रॉस द पूल होवर आफ्टर होवर डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक ऑन ईज ट्रिप द पूल ए बिट ऑफ द पेनिक शीज्ड मी इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हीज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटंड एंड माई लेग्स फ्रोज इट वॉज़ थ्री मंथ्स बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक स्लेक यानी ढीला पड़ना या कम हो जाना देन ही टाट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड द रेज माई नोज एंड इनहेल आई रिपीटेड द एक्सरसाइज अंडर वाटर तो इसका पहला क्वेश्चन देखो वाट वाज़ द नरेटर फीयर नेरेटर यानी उस वर्णनकर्ता का क्या भय था तो इसका आंसर आ जाएगा द नरेटर वाज फीयर्ड ऑफ डीप वाटर अगला क्वेश्चन है वाट डिसीजन डिड द नेरेटर टेक तो द नेरेटर टुक द डिसीजन टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम वा टिप वाज गिवन टू द नेरेटर तो द टिप वाज गिवन टू द नेरेटर टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल हाउ लोंग डिड द नेरेटर टेक टू स्लेक हिज फीयर तो द नेरेटर टुक थ्री मंथ्स टू स्लेक हिज फियर वाट इज द अपोजिट ऑफ एक्सेल तो एक्सेल यानी श्वास बाहर निकालना तो इसका अपोजिट हो जाएगा इनहेल वन वर्ड फॉर सडन अनकंट्रोलेबल फियर इसको क्या बोलते हैं पैनिक बोलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट एटी वर्ड्स अस्सी वर्ड के अंदर अपन को प्रश्नों के उत्तर देने तो है आट डिफरेंट थिंग्स डिड फ्रेंज नोटिस इन द स्कूल दैट डे उस दिन फ्रेंज ने स्कूल में नई क्या चीज देखी थी तो इसका जाएगा दैट डे फ्रेंज नोटिस द एबसेंस ऑफ द रूटीन कमोशन कास्ट बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क रिपीटिंग ऑफ ऑपरेशन इन यूनिसम एंड रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल द यूजल हसल बसल वाज

अगला आप इलेवन क्वेश्चन देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव वर्ड्स। राइट डाउन सम क्वालिटीज ऑफ सुबु तो सुबु की कुछ क्वालिटीज अपन को लिखनी है वाज ए गो गेटर एंड मेड ए पोजिशन फॉर हिमसेल्फ इन द स्टूडियो बाई पुशिंग हिज वे टू द फोर फ्रंट विथ फ्लेटरी मिस्टर वाज द बोस एट जेमिनी स्टूडियो एंड सुबू हिज राइट हैंड मैन बिकम द नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियो इसी का दूसरा देखो हु वाज राजमार शुक्ल वाई वाज ही डिस्क्राइब्ड एज रिजोल्यूट तो राजकुमार शुक्ल वाज ए फार्मर ओप चंपारण राजकुमार शुक्ल इज डिस्क्राइब्ड एज बींग रिजोल्यूट बिकॉज इवन आफ्टर बींग टोल्ड दैट द प्रियोअर एंगेजमेंट ऑफ गांधी एट कानपुर एंड अदर पार्ट्स एकरोस द कंट्री ही डज नोट क्यूट ही कंटिन्यू टू अ कंपनी गांधी एवरीवेयर टॉबलो क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजा विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स फीसर मैन इन द कोल्ड सी वुड नोट वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट गुड लुक एट हीज हर्ट हैंड्स तो इसकी एक्सप्लेनिशन हो जाएगी इन दिज लाइन्स द पॉइट एक्सप्लेन दैट फिशर मैन विल आल्सो स्टॉप एंड नोट हार्म वेल्स इन दी हियर द पोइट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ वेल्स विच आर बींग हंडेड फॉर ए परपज ऑफ फूड ओज दिस मीन्स दैट पोइट इज अर्जिंग एवरी वन नोट टू हार्म द एनिमल्स द पॉइंट अगेंस्ट द साल्ट गैदर से हुज हैंड से आर हर्ट ड्यूरिंग द सॉल्ट गैदरिंग प्रोसेस ही वांट्स आल ऑफ देम टू स्टॉप फॉर ए वाइल एंड डू इंट्रोस्पेक्शन अगला देखो से अपना फर्स्ट हो गया तो सेकेंड करने की जरूरत नहीं है अब थर्टीन क्वेश्चन देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट एटी वर्ड वार थीम हैज़ बीन टेकन बाई द पोइट इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम तो इसका आंसर देखो माय मदर राइट ए शॉर्ट समरी ऑफ माय मदर एट सिक्सटी सिक्स तो कमला दास की पोईम है ये तो माय मदर एट सिक्सटी सिक्स इज़ ए पोईम हुज़ ऑथर इज़ कमला दास द राइटर इज़ फेमस फॉर कैप्चरिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। दिस पोईम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बॉन्डिंग इन हुम्स

हुम्स लाइफ द समरी शो द थीम ऑफ द एडवांसिंग एज ऑफ द मदर ऑफ द ओथर एंड द फियर ऑफ सेपरेशन. दिस एपरेंटली शॉर्ट पोइम टचेज अपॉन द थीम ऑफ ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द डाटर इट इट शो द ब्यूटीफुल ए रिलेशनशिप ए मदर एंड ए डाटर कैन हैव फोर्टीन क्वेश्चन देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव वर्ड्स ऑफ ट्विस्टेड डस दिस सिम्बोलाइज ये किस चीज़ को प्रतीक करती हैं तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन स्लम से लिया गया है तो द अनलक्की हेयर इज द लिटिल बोन बॉय फ्रॉम द स्लम हु हैड इनहेरिटेड ए डिजीज ऑफ ट्विस्टेड से फ्रॉम हिज फादर अलॉन्ग विद हिज पोवर्टी हिज डिजीज हैड रेंडर्ड हिम डिसफिग एंड क्रूक्ड थी मिजरेबल कंडीशन एंड डिजीज मेट हिम हिम एंड अनलक्की हेयर अगला क्वेश्चन है वाट ब्यूटीफुल थिंग आर डिपिक्टेड इन द पोइम? ए थिंग ऑफ ब्यूटी तो अकॉर्डिंग टू द पोइट देर आर नंबर थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट हेल्प अस फॉर गेट ओवर सोरो दीज आर दन द मून ओल्ड एंड यंग ट्रीज दैट प्रोवाइड शेड टू सिंपल सिप सिंपलशिप से क्लियर स्ट्रीम स्ट्रीम्स ऑफ से मस्क रोजेज इन द फॉरेस्ट एंड द लवली टेल्स ऑफ माइटी मैन फिफ्टीन क्वेश्चन देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट एटी वर्स हाउ वाज द हंड्रेड टाइगर अरेंज फॉर द महाराजा टारगेट महाराजा के टारगेट के लिए सोवा बाग कैसे उसकी व्यवस्था की गई तो द दीवान हैड ब्रॉट ए टाइगर फ्रॉम द पीपुल्स पार्क इन मद्रास एंड कैप्ट इट हिडन इन हिज हाउस वेन द महाराजा थ्रिटेंड हिम विथ डिजायर कॉन्सिक्वेंसेज ही अंडरस्टूड दैट द ओनली वे टू सेव हिम सेल्फ वाज टू प्लांट ए टाइगर फॉर द किल सो ही एंड हिज एज वाइफ ड्रेग्ड द टाइगर टू द फॉरेस्ट वेहर द किंग वॉज हंटिंग अगला अपना सिक्सटीन क्वेश्चन देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव पार्स वे वर डॉक्टर शेडियो एंड हीज वाइफ अफ्रेड द एनिमी तो डॉक्टर शेडियो एंड हीज वाइफ हैना वर अफ्रेड ऑफ टेकिंग हिम टू देयर हाउस बिकॉज ऑफ द सर्वेंट हु वुड रिफ्यूज टू वर्क फॉर देम फॉर द फियर ऑफ गेटिंग इन टू ट्रबल दमसेल्प देर आर अ ऑफ हार्बरिंग ए प्रिजनर ऑफ वार एंड न्यू दैट द सर्वेंट वुड टाक सेकेंड क्वेश्चन है वाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवान से तो यह जेम्स रोड्रिक इवानस वाज ए जेलबर्ड द प्रिजन ऑफ ऑफिसर्स कॉल्ड हिम इवेंस द ब्रेक एज ई हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन थ्री टाइम एट प्रजेंट ही वोलिट्री सेल इन ऑक्सफोर्ड प्रीजन ही वॉज क्वाइट ए प्रीजेंट शॉर्ट ऑफ चैप एन अम्यूजिंग परसन हु वाज गुड एट इमिटेश अगला क्वेश्चन सेवनटीन देखो चूज द करेक्ट अटल अल्टरनेटिव सही अपन को विकल्प सुनना है द एस्ट्रोलॉजर वर्ड टू कट ऑफ हिस्स टफ इफ तो एस्ट्रोलॉजर ने अपनी चोटी को कटाने के लिए क्यों कहा कि इफ ही लाइड द हंड्रेड टाइगर वाज किल्ड बुक्स वर फॉल्स रिवार्डेड तो इसके अंदर द हंड्रेड टाइगर वाज किल्ड भी आ गया वी मस्ट विजिट अंटार्क्टिका इफ़ वी वांट स्टडी एंड एग्ज़ामिन द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तो डी आंसर आ गया हाउ लॉन्ग हैज जेकिन टेलिंग स्टोरीज टू हीज डार्टर तो इसका आंसर ये आ गया टू ईर्स अगला देखो खालिस्तान हैड एन अगली फेस तो डेरी आंसर ये आ गया इसके अंदर वार्ट लैंग्वेज वाज इवनाज अपरिंग फॉर तो इसके अंदर आ गया जर्मन अगला देखो फिर हाउ वज़ द नेरेटर एबल टू विन मैनी फ्रेंड्स तो उसने अनेक फ्रेंड कैसे बनाए तो स्टेडिंग हार्ड तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स ये अपना लेसन कंप्लीट होता है इसकी आप पी है वो डिस्क्रिप्सन के अंदर अपलोड कर सकते हो लोड डाउनलोड कर सकते हो ओके थैंक्स